बीजेपी के पूर्व विदेश मंत्री की मृत्यु को 18 दिन भी नहीं हुए कि बीजेपी पार्टी को एक बार फिर से शोक में डूबी है। अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई है कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली का दिल्ली एम्स में निधन हो गया। वे 66 वर्ष के थे और 9 अगस्त से दिल्ली एम्स के आईसीयू में भर्ती थे। उन्होंने दोपहर 12:07 पर अंतिम सांस ली। किडनी ट्रांसप्लांट करवा चुके जेटली को कैंसर भी हो गया था। इस साल मई में जेटली को इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया था। इससे पहले स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए भाजपा नेता ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था। मोदी सरकार के सत्ता में लौटने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा कि वह अपने बीमार स्वास्थ्य के कारण किसी भी जिम्मेदारी से दूर रहना चाहते हैं। अरुण जेटली का जन्म 28 दिसंबर 1952 को नई दिल्ली में हुआ था। उनके पिता महाराज किशन जेटली एक वकील थे और माता रतन प्रभा जेटली एक गृहिणी थी। उन्होंने 1957 से 1970 तक सेंट जेवियर्स स्कूल दिल्ली से पढ़ाई की। उन्होंने 1973 में नई दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से कॉमर्स में बीकॉम ऑनर्स डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने 1970 में दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय से LLB की डिग्री उत्तीर्ण की। 70 के दशक में जेटली दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता थे और 1974 में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष बने। आंतरिक आपातकाल 1975 से 1970 की घोषणा के दौरान मौलिक अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था। वह 19 महीने की अवधि के लिए निवारक हिरासत में था। वह राज नारायण और जयप्रकाश नारायण द्वारा वर्ष 1973 में शुरू किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन के प्रमुख नेता थे। वह जयप्रकाश नारायण द्वारा नियुक्त छात्र और युवा संगठन की राष्ट्रीय समिति के संयोजक थे। वह नागरिक अधिकार आंदोलन में भी सक्रिय थे और सतीश झा और सिमुतो कोठारी के साथ PUCL बुलेटिन खोजने में मदद करते थे। जेल से रिहा होने के बाद जनसंघ में शामिल हो गए। 1970 में ऐसे समय में जब कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, लोकतांत्रिक युवा मोर्चा के संयोजक होने के नाते जेटली को दिल्ली ABVP का अध्यक्ष और ABVP का अखिल भारतीय सचिव नियुक्त किया गया। 1980 में पार्टी में शामिल होने के कुछ समय बाद उन्हें 1980 में भाजपा की युवा शाखा का अध्यक्ष और दिल्ली इकाई का सचिव बनाया गया। आप प्रिय दर्शकों से इजाजत लेने से पहले कार्यक्रम के आखिर में हम अल्पकाश टीवी स्वर्गीय अरुण जेटली जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।